जब तक आप हालातों से लड़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप उन पर विजय जरूर पाएंगे। और यही उम्र है पढ़ाई करने की, ये वक्त बीत गया तो लौट के नहीं आएगा, बात मानो। क्या एक बार दो मेंढक बिल्कुल एक जैसे, दोनों सेम वेट सेम हाइट, दो मेंढक कूदते कूदते अचानक से जमीन पर रखे हुए दूध के पतीले में जंप मार देते हैं। दोनों ने जंप मार दी, दोनों दूध के पतीले में गिर गए। ठंडा दूध था, जले नहीं, लेकिन दूध में वो डूबने लगे। जब वो दोनों डूबने लगे, दोनों ने हाथ पांव मारे, लेकिन हाथ पांव मारते रहे। एक मेंढक की हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसने कहा, भैया मेरे में ताकत नहीं है, मैं हाथ और हाथ पांव नहीं मार सकता, मेरे हाथ पांव दुख रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, मैं और हाथ पांव नहीं मार सकता। उसने क्या किया, हाथ पांव मारना छोड़ दिया। थोड़े समय के बाद वो डूबकर मर गया। जबकि दूसरा मेंढक लगातार कोशिश करता रहा, लगातार हाथ पांव मारता रहा, लगातार हाथ पांव मारता रहा। थोड़े समय के बाद, घंटा दो घंटा वो कोशिश करता रहा, उसने हार नहीं मानी। उसने देख लिया, मेरा दोस्त डूब गया, लेकिन मैं डूबने वाला नहीं हूं, मैं इन परिस्थितियों का सामना डट कर करूंगा। उसने हाथ पांव मारना चालू रखा। थोड़े समय के बाद उसे अपने पांव के नीचे कुछ सॉलिड चीज महसूस हुई। तुरंत उसके ऊपर उसने पांव रखकर धक्का जैसी दिया, वो उस पतीले से बाहर आ गया। तुम्हें पता है क्या था वो सॉलिड चीज क्या थी? जब उसने हाथ पांव मारे, उसके हाथ पांव लगातार मारने के बाद, उसके लगातार कोशिश करते रहने से दूध में से मक्खन निकल गया, और उसी सॉलिड चीज पर उसने पांव रखकर वो बाहर कूद गया। तो इससे क्या शिक्षा मिली हमें? इससे शिक्षा ये मिली, परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, कभी हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, कोशिश करते रहिए, हालातों से लड़ते रहिए। जब तक आप हालातों से लड़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप उन पर विजय जरूर पाएंगे। हम तभी हताश और निराश होते हैं जब हम अपने हथियार डाल देते हैं, कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो आप कहीं पर भी कोशिश करना किसी तरीके से बंद ना करें। आपका दोस्त डूब रहा है, वो कोशिश नहीं कर रहा, वो दिल से कोशिश नहीं कर रहा। तेरा दोस्त जो है वो सही में उसे चीजें समझ में आ रही हैं, वो प्रोग्रेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिल से कोशिश कर रहा है। तो अगर कोई ऊपर बढ़ रहा है, चीजों को अच्छे समझ रहा है, डीपीपी सॉल्व कर रहा है, वो ऊपर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहा है। अगर तुम डीपीपी नहीं कर रहे हो, तुम्हें चीज समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुम सच्चे दिल से कोशिश नहीं कर रहे हो। सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो कहते हैं ना, पूरी कायनात तुम्हारा साथ देगी। एक बार शिद्दत से मेहनत करके तो देखो, पूरी कायनात तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी तुम्हें सफल बनाने के लिए। तो ध्यान रखें, डूब गया था वो मेंढक नहीं बनना है, आपको लगातार कोशिश करते रहना है। बेटा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चीजों को पाने के लिए मेहनत भी ऊंची लगती है, हिम्मत चाहिए। लोगों को किसी के साथ लड़ने में दम नहीं है। लड़ लिए, जाके ये कर दिया वो कर दिया, इसमें दम नहीं होता बेटा। असली दम कहाँ होता है? अंदर होता है इंसान के। बाजुओं में दम नहीं होता, अंदर होती है शक्ति, जिसे हम कहते हैं विल पावर। तो अपनी विल पावर का यूज करो, पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो। और यही उम्र है पढ़ाई करने की, ये वक्त बीत गया तो लौट के नहीं आएगा, बात मानो। अपने मम्मी पापा की भी और हमारी भी, ठीक है? अपने मम्मी पापा की भी और हमारी भी, दिल से पढ़ाई करो, ठीक है ना? और मैंने आपको बताया टाइम कैसे मैनेज करें, बताया था, पॉकेट डायरी लो, चीजें लिखो, टारगेट टुडे, आज एक दो तीन टारगेट लिखे, रात को खत्म करे बिना उन्हें सो मत, और उतना ही लिखो जितना खत्म कर सको, इतना रोज करो, और फिर काटते जाओ, टारगेट अचीव्ड, और नीचे लिखो मिशन ऑफ द डे अकम्प्लिश। जो बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, सच बता रहा हूं, कुछ बच्चे यूज कर रहे हैं, मेल मिलते हैं, कुछ बच्चे यूज कर रहे हैं, फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप यूज नहीं करते तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो आपको बता सकता हूं, एक रास्ता दिखा सकता हूं, टीचर एक मार्गदर्शक हो सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, बेटा इस रास्ते पर चलो, ये रास्ता चलोगे तो देखो वो मंजिल आएगी। अब तुम उल्टा दौड़ना शुरू कर दो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता।
हर किस्म के बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे पढ़ने वाले संस्कारी अच्छे बच्चे भी हैं, कुछ दुष्ट दुर्जन वो बच्चे भी हैं। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, हर कोई तो आईआईटियन बनेगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग आईआईटियन बने, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे। कौन बनेंगे? जो आखिरी तक लगे रहेंगे। सफल होंगे वही जो आखिरी तक लगे रहेंगे कहीं, सफल होंगे वही जो आखिरी तक लगे रहेंगे कहीं। तो ध्यान रखें, आखिरी तक कोशिश करना है, आखिरी तक हिम्मत नहीं हारनी है, ट्राई करते जाना है। और वो मेंढक वाला एग्जाम्पल याद रखना है, कभी भी आपको ऐसा लगे परिस्थितियां बहुत मुश्किल हैं, सर मेरे हाथ पांव दुख रहे हैं, सर दिमाग दुख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं तो छोड़ रहा हूं, तो मेंढक की कहानी याद करना, याद आएगा, समझ में आएगा। क्लियर है?